भारत में हर रोज लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। लोग बड़ी दूरी तय करने के लिए ज्यादातर ट्रेन में ही सफर करते हैं। भारतीय रेलवे भी लगातार लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करता है। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो आपको रेल के बारे में कई तरह की जानकारी होगी और कुछ नहीं भी। ऐसी ही एक जानकारी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। दरअसल रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए आपने जरूर सुना होगा कि कोई अप ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 या किसी अन्य पर आने वाली है, या कोई डाउन ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, या फिर हमें जिस ट्रेन को पकड़ना होता है उस पर सवार होकर निकल लेते हैं। कुछ लोगों के मन में यह भी आता है कि अप क्या है और डाउन क्या है, रेलवे में ट्रेन के नाम के साथ अप और डाउन क्यों बुलाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर अप और डाउन लाइन क्या होता है। दरअसल ट्रेन के संदर्भ में अप और डाउन का महत्व केवल दिशा बताने से अधिक होता है। अप और डाउन से हमें पता चलता है कि ट्रेन अपने उद्गम स्थल से आ रही है या फिर उसकी तरफ लौट रही है, और आसान शब्दों में कहें तो इससे यह समझा जा सकता है कि ट्रेन का घर कहाँ है। ट्रेन का पहला और आखिरी स्टेशन दोनों ही उसके शुरुआती बिंदु हैं, लेकिन इनमें से एक स्टेशन उसका घर है जहां से शुरुआत मारी जाती है। इस स्टेशन को ट्रेन की गंगोत्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई ट्रेन आनंद विहार से पटना जा रही है और लौट कर फिर पटना आकर होल्ट करेगी। ऐसे में आनंद विहार स्टेशन उसका घर होगा और पटना उसका अंतिम स्टेशन। यहीं से जुड़ा है अप और डाउन का सारा खेल। आपको बता दें कि जब भी ट्रेन अपने घर से निकलकर अपने गंतव्य स्थल तक की ओर बढ़ रही है तो वह डाउन दिशा में जाती है। वहीं जब अपने अंतिम स्टेशन से वापस घर लौट रही होती है तो वह अप में आ रही होती है। लेकिन अब भी ये सवाल बच जाता है कि आखिर बगैर घोषणा के हमें कैसे पता चले कि ट्रेन अप जा रही है या डाउन। इसका भी जवाब तो और भी आसान है। आप जिस ट्रेन में सफर करते हैं उसके 2 नंबर होते हैं। इन नंबर में बस आखिरी संख्या का फर्क होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली से राजगीर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस के 2 नंबर है, यानी 12391 और 12392। इस ट्रेन का डिवीजन या घर ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। घर से निकलते वक्त जो संख्या कम है वही इस ट्रेन का नंबर होगा। आपके रिजर्वेशन टिकट पर वही नंबर दिखाई देगा, यानी जब श्रमजीवी 12391 बनकर चल रही है तो वह डाउन में है। ठीक इसी तरह वह जब दिल्ली से वापस राजगीर की ओर आएगी तो उसका नंबर हो जाएगा 12392 और वह अप में हो जाएगी।